हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। आज झारखंड सामान्य ज्ञान का दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, झारखंड के झारखंड के जिलों की स्थापना कब और कैसे, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जाना था। ओके, इसके अलावा एक छोटा सा हम लोगों ने झारखंड का संक्षिप्त परिचय भी देखा था, झारखंड का संक्षिप्त परिचय। ओके, ये लास्ट लेक्चर का था। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इसे मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर से क्यों पढ़ा रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जस्ट क्लास नोट्स के पीडीएफ को देने के लिए मैं ये सब फिर से बता रहा हूँ, और डिफरेंस आपको देखने को मिला होगा। ओके, यदि आपने देखा है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ओके, दो तीन लेक्चर बाद आप देखिए अगर आपको ये सब चीजें याद हैं तो। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, झारखंड का जो क्षेत्र है इसका किस नाम से और कहां उल्लेख मिलता है, कहां उल्लेख मिलता है, ये हम लोग जानेंगे। यहां पर एक तरह से यहीं से हिस्ट्री की स्टार्टिंग हो जाती है। ओके, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए मैं जो बता रहा हूं। देखिए, जिस तरह से हम लोग भारत के लिए टाइम पीरियड पढ़ते हैं, उसी तरह से झारखंड का भी है, मतलब कि प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। ओके, आधुनिक, प्राचीन काल में वैदिक काल से ही झारखंड की चर्चा मिलने लगती है। ओके, प्राचीन काल में वैदिक काल से ही झारखंड की चर्चा मिलने लगती है, लेकिन यहां पर एक बात आपको याद रखना है कि झारखंड क्षेत्र की चर्चा मिलती है लेकिन झारखंड नाम से नहीं मिलती है। झारखंड नाम की बात करें हम लोग तो इसकी जो चर्चा है ये 13वीं सदी से मिलेगी। ओके, 13वीं सदी से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले झारखंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, झारखंड एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी चर्चा भी मिलती है, अलग अलग नामों से मिलती है अलग अलग सोर्सेस में। ओके, वैदिक काल में असुर जो है ये प्रवेश कर जाते हैं झारखंड क्षेत्र में, और उनके कुछ सदी बाद, मतलब जब वैदिक काल खत्म हो रहा होता है, तब मुंडा यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इन दोनों का संघर्ष होता है, फिर ऋषा मुंडा के गाइडेंस में सूतिया पहन जो है नए मुंडा राजवंश की स्थापना करते हैं, और उस राज का क्या नाम रखा जाता है, सूतिया नागखंड। फिर कैसे ये जो है फनी मुकुट राय को उत्तराधिकारी बनाकर, जो लास्ट राजा होते हैं मथुरा मुंडा, फनी मुकुट राय को उत्तराधिकारी बनाकर नागवंश की फिर स्थापना होती है, और नागवंश जो है ये प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल तक चलता है। ओके, फिर जब हम लोग आधुनिक काल में पहुंचेंगे, वैसे देखिए मध्यकाल में क्या है, ज्यादातर क्षेत्र राजवंश है। ओके, ज्यादातर क्षेत्र राजवंश के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जो भी आप सेंट्रल जीएस में पढ़ते हैं, चाहे सल्तनत काल हो मुगल काल हो, तो उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन उतना भी नहीं जितना कि क्षेत्रीय राजवंश का मिलता है। ओके, तो इसमें ज्यादातर हम लोग ये पढ़ेंगे, हालांकि मैं कंपेयर करके चलूंगा जो भी सेंट्रल जीएस का है। और आधुनिक काल में जो है झारखंड की चर्चा ये छोटा नागपुर से मिलती है, छोटा नागपुर के नाम से मिलती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय जो है अंग्रेजों का शासन था, खासकर आधुनिक काल में अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेज जो है झारखंड क्षेत्र को छोटा नागपुर कहकर बुलाते थे। ओके, अब यहां पर देखिए कि वैदिक काल से ही झारखंड की चर्चा मिलती है लेकिन झारखंड से नहीं मिलती है, झारखंड नाम से नहीं मिलती है, तो किस नाम से मिलती है, अलग अलग चीजें हैं। ओके, देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो झारखंड है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा है, वनों की बहुलता के कारण। ठीक है, झारखंड में बहुत ज्यादा वन है, ओके, जंगल है, तो इसलिए इसका नाम झारखंड पड़ा है। लेकिन एक चीज और भी है कि यहाँ पर जो है आदिवासी, ट्राइबल्स, जनजाति भी बहुत ज्यादा है, और इस कारण से झारखंड को कर्क खंड
के नाम से भी जाना जाता है, कर्क खंड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? जनजातियों की बहुलता के कारण, झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा। जब मैं आपको झारखंड का गठन जब पढ़ाऊंगा तो उस समय एक नाम और आपको देखने को मिलेगा, वनांचल। वनांचल बीजेपी जब सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है और फर्स्ट टाइम बिहार गवर्नमेंट को ये प्रस्ताव भेजती है अलग राज्य के लिए, तो वनांचल नाम से ही भेजती है, ओके। लेकिन ये रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये सब बताया जाएगा झारखंड के गठन में। झारखंड के गठन के लिए तो खैर 4-5 लेक्चर लगेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ओके। तो मैं कह रहा था कि जनजातियों की बहुलता के कारण इसका नाम कर्कखंड भी पड़ा है, ठीक है, और झाड़ियों वनों की बहुलता के कारण झारखंड है। अब यहां पर देखिए, प्राचीन काल की बात की जाए तो ज्यादातर गुप्त वंश, गौड़ वंश और पाल वंश, ठीक है, इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा जो बाकी राजवंश हैं या फिर बाकी जो टाइम पीरियड है उसमें झारखंड के बारे में नहीं पढ़ना है, ओके। इसके बारे में कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, इससे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वैदिक साहित्य में झारखंड की चर्चा तो स्टार्ट हो जाती है, किस किस नाम से चर्चा स्टार्ट होती है और कैसे हम लोग प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक पहुंचेंगे इसके नाम को लेकर, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। चलिए देखिए, एक चीज आपको याद रखना है कि सबसे पहले अगर झारखंड क्षेत्र की चर्चा मिलती है तो वो वैदिक साहित्य में मिलती है। अब वैदिक साहित्य तो बहुत है, किस वैदिक साहित्य में झारखंड की चर्चा मिलती है? ये ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलती है, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो है, जैसे कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, इसे भी चर्चा मिलती है, अलग अलग नामों से मिलती है। कौन कौन से नाम है इसे देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या फिर पुंड्र, ठीक है। देखिए टाइम टू टाइम जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, टाइम टू टाइम उस ये सब लेक्चर पे बेस्ड एमसीक्यू भी कराए जाएंगे, ओके। ऋग्वेद में किकाट नाम देशो अनाथ, ओके। अथर्ववेद में व्रात्य, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐत्रेय ब्राह्मण का, क्योंकि सर्वप्रथम झारखंड की चर्चा मिलती है तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलती है, और किस नाम से मिलती है? पुंड या फिर पुंड के नाम से मिलती है, ओके। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि वैदिक काल में ही असुरों का आगमन होता है। अब जब असुर यहां रह रहे हैं तो डेफिनेटली इनकी चर्चा भी होनी चाहिए, तो इनकी चर्चा मिलती है वैदिक साहित्य में। इन्हें जो है लिंग पूजक और सिसनों का देव भी कहा गया है, सिसनों का देव, ठीक है। ये जो है ये ऋग्वेद में कहा गया है, किसमें कहा गया है? ये ऋग्वेद में कहा गया है। तो असुरों की चर्चा मिलती है, ओके। और ये तीन आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग पुराणों की बात करें तो पुराण में जो है वायु पुराण, विष्णु पुराण, ओके, विष्णु पुराण, तो वायु पुराण में झारखंड की जो चर्चा मिलती है ये मुरंड के नाम से मिलती है, ये मुरंड के नाम से मिलती है। विष्णु पुराण में थोड़ा सा आपको लगेगा कि सेम नाम है, मुरंड हो गया और मुंड हो गया, ठीक है। फिर एक और है भागवत पुराण। देखिए ये सारे फैक्ट्स हैं, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं नहीं, बस जिस नाम से चर्चा मिल रही है कहाँ मिल रही है आपको याद रख लेना है। भागवत पुराण में झारखंड की जो चर्चा मिलती है ये किकट प्रदेश से मिलती है, ठीक है। तो ये तीन पुराण हो गए, मुरंड, मुंड और किकट प्रदेश, ठीक है, वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण, ठीक है।
ये जो मुरंड मैंने लिखा है, ऐसा ही मिलता जुलता नाम एक और है, ऐसा ही मिलता जुलता नाम एक और है, और इसका नाम है, देखिए ये है आपका मुरंड, ये है मुरंड, ये मुरंड है, देखिए मुरंड है और ये मुरंड है, और ये जो मुरंड है ये झारखंड का ही नाम है, झारखंड का ये जो नाम है मुरुंड, इसकी इस नाम से चर्चा मिलती है समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है जिसको हरिसेन ने लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति बाई हरिसेन, किसके लिए है? समुद्रगुप्त के लिए, ओके, समुद्रगुप्त के लिए है। तो मुरंड मुरुंड एक जैसा नाम है, लेकिन मुरुंड हो गया प्रयाग प्रशस्ति और मुरंड हो गया वायु पुराण, ठीक है। थोड़ा सा और कुछ चीजें हैं, जैसे कि मध्यकाल आने से ठीक पहले, मध्यकाल आने से ठीक पहले झारखंड को जो है कलिंद देश के नाम से भी जाना जाता था, मतलब प्राचीन और मध्यकाल के बीच का, आप कह सकते हैं पूर्व मध्यकाल में झारखंड की जो चर्चा है वो कलिंद देश से मिलती है। अभी तक मैंने क्या क्या बताया, अभी तक मैंने आपको बताया है ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया ऋग्वेद, फिर मैंने बताया अथर्ववेद, फिर वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ये पूर्व मध्यकाल में और ये प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है। तो इन सारे नामों को याद रखना है, कहां पर मिल रहा है और किस नाम से मिल रहा है, ओके। अगला देखते हैं, महाभारत में झारखंड की चर्चा मिलती है, डेफिनेटली महाभारत जो है थोड़ा सा मगध से भी रिलेटेड है, ओके। तो मगध जो है उस समय झारखंड मगध में ही था, मगध का जो दक्षिणी भाग था वो झारखंड ही था। अब यहां पर देखिए, मगध में झारखंड की जो चर्चा मिलती है ये पशु भूमि या फिर पुंडरिक, पशु भूमि या फिर पुंडरिक के नाम से मिलती है, ओके। झारखंड का जो क्षेत्र है, झारखंड का जो क्षेत्र है महाभारत के समय, ये जरासंध के अधिकार में था, जरासंध के अधिकार में था, ओके। और इसलिए आपको ये याद रखना होगा कि जरासंध के शासन में झारखंड का जो नाम मिलता है, झारखंड का जो क्षेत्र है उसका जो उल्लेख मिलता है, ये किकट नाम या फिर किकट, ठीक है, ये किकट नाम मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, ओके, किकट नाम से मिलती है, किकट, ठीक है। तो एक ये हो गया आपका 9 और 10, टोटल 10 नाम हो गए पशु भूमि। ओवरऑल अगर महाभारत की बात की जाए, लेकिन स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जरासंध के शासन काल में झारखंड की चर्चा किस नाम से मिलती है, तो किकट से मिलती है, ओके ओके। थोड़ा सा देखिए, ये मिल रहा होगा कि काट नाम देशोनाथ, इसलिए मैं ये हटा दे रहा हूँ, बोल कुछ और रहा था मैं, कि काट नाम देशोनाथ किस में है, ये है ऋग्वेद में, किकट सिर्फ बोला जाएगा तो जरासंध के शासनकाल में, ओके। यहाँ पर देखिए, जब हेनसांग झारखंड आए थे, जब झारखंड के क्षेत्र में इनका प्रवेश हुआ था, तो इन्होंने जो है झारखंड के क्षेत्र को, अगर ओवरऑल झारखंड के क्षेत्र की बात की जाए, तो इन्होंने जिस नाम से चर्चा की है, किलोना सूखा लाना, ठीक है, एक तो ये नाम हो गया और दूसरा हो गया कर्ण सुवर्ण, कर्ण सुवर्ण, इस नाम से झारखंड क्षेत्र की चर्चा की है, ठीक है, ये ओवरऑल झारखंड का हो गया। लेकिन एक स्पेसिफिक चीज है यहां पर, जो राजमहल का क्षेत्र है, जो राजमहल का क्षेत्र है, तो राजमहल क्षेत्र को जो हेनसांग ने जिस नाम से बुलाया है वो किचिंग काई लो है, किचिंग काई लो है, ठीक है, ये ओवरऑल जो मैदानी क्षेत्र है किचिंग काई लो। और अगर हम लोग सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, अगर हम लोग सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, तो पहाड़ी क्षेत्र को जो है दामिने को के नाम से हेनसांग के द्वारा जो है उल्लेख किया गया है। दामिने को आपको पता होगा, कैप्टन
टेनर के थ्रू ये वर्ड दिया गया था, उनके थ्रू ही ये जो है सर्वेक्षण किया गया था, ओके, सर्वे किया गया था 1824 में टेनर। तो ये हो गया जरासंध का और हेनसांग का। संथाल परगना के बारे में, या आप कहें राजमहल क्षेत्र को जो है हेनसांग ने किचिंग काइलो और खासकर इसका जो पहाड़ी क्षेत्र है दामी ने को के नाम से उल्लेख किया है हेनसांग ने, ओके। अब यहां पर देखिए संथाल परगना की बात हुई है, संथाल परगना, तो संथाल परगना के भी कुछ नाम है, ओके। जैसे कि प्राचीन काल से ही संथाल परगना को नरीखंड के नाम से जाना जाता रहा है, ओके, नरीखंड। फिर ये नाम बाद में जो है कांकजोल में परिवर्तित हो जाता है। जब हम लोग बौद्धिक साहित्य पढ़ेंगे, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म की चर्चा जब देखेंगे झारखंड के लिए, तो बौद्ध धर्म में या फिर बौद्ध साहित्य आप कह सकते हैं कजंगला के नाम से इस क्षेत्र की, संथाल परगना के क्षेत्र की चर्चा मिलती है, ओके। और इसके बाद है छोटा नागपुर, इसकी चर्चा किसके थ्रू किया गया है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, मतलब अंग्रेजों के थ्रू जो है छोटा नागपुर की चर्चा की गई है झारखंड के लिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए छोटा नागपुर ये नाम आखिर आया कैसे, देखिए मुगल काल से ही, यहां पर मैं बता दूं आपको, इसको समझिए, ये छोटा नागपुर है आखिर ऐसा नाम आया कैसे। देखिए मुगल काल से झारखंड को कुकरा या फिर खुखरा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बाद में ये जो नाम है चोटिया नागपुर में परिवर्तित हो जाता है। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे मुंडाओं का, जब आगमन देखेंगे उस समय बताऊंगा कि कैसे चोटिया नागपुर का नाम आता है, ओके। तो चोटिया नागपुर इस नाम में परिवर्तित हो जाता है। बाद में यही चोटिया नागपुर जो है चोटा नागपुर और फिर चोटा नागपुर से छोटा नागपुर में ये जो नाम है परिवर्तित होता है, ओके। चुटिया जो है ये व्यक्ति का नाम है, ओके, मैं बताऊंगा उस समय कि कौन थे, कैसे ये नाम पड़ा। तो इस तरह से छोटा नागपुर का नाम आता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब मैं एक बार समरे कर दूं कि कहां पर किस जगह झारखंड की चर्चा किस नाम से हुई है, ओके। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा है, देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण, फिर हम लोगों ने देखा ऋग्वेद, फिर अथर्ववेद, उसके बाद वायु पुराण, फिर विष्णु पुराण, फिर भागवत पुराण, प्रयाग, ये सब याद रखना है, और एक बार में ये सब याद नहीं होगा। पूर्व मध्य काल, ओके, फिर ये सब हो गया, लिख भी देता हूं ना ताकि एक जगह रहेगा नोट्स में, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये पुंड हो गया, ये पुंड हो गया, ऋग्वेद में कि काट नाम देशो अनार्थ, व्रत हो गया, वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड, थोड़ा सा डिफरेंस है मुरुंड और मुरंड में, वायु पुराण में और प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है। पूर्व मध्य काल में कलिंद,
देश। ओके, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ओके, पीडीएफ जो है मैं आपको दे दूंगा। फिर उसके बाद ये 8 नाम हो गए। उसके बाद मैंने महाभारत में बताया। ओके, फिर अगर जरासंध करके स्पेशली पूछ लिया जाए, जरासंध, तो नाम थोड़ा सा आपको दूसरा याद रखना है। ओके, फिर मैंने बताया कि हेनसांग ने झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है, और हेनसांग में भी संथाल परगना यहां पर खासकर राजमहल का जो क्षेत्र है इसको याद रखना है, और राजमहल के क्षेत्र में भी जो पहाड़ी इलाका है उसका अलग नाम है, और जो मैदानी क्षेत्र है उसका अलग नाम है। ओके, तो यहां पर 2-3 नाम तो ऐसे ही हो गए। ओके, महाभारत में आपको याद रखना है पशु भूमि या फिर पुंडरीक। ओके, जरासंध के शासनकाल में जो मगध का दक्षिणी भाग था, दक्षिणी क्षेत्र, उसको किकट के नाम से जाना जाता था। हेनसांग ने झारखंड की जो चर्चा की है ये कर्णसुवर्ण या फिर किलोना सु कालाना, ठीक है, ऐसे भी नाम याद रहेगा, इस तरह का नाम है आपको। ठीक है, संथाल परगना की बात की जाए तो राजमहल का जो मैदानी क्षेत्र है इसको किचिंग काई लो, और जो पहाड़ी क्षेत्र है इसको दामिने को के नाम से उल्लेख किया गया है। ओके, ये हो गया आपका संथाल परगना। ठीक है, फिर 13 नंबर देखते हैं हम लोग, ये 12 हो गए। संथाल परगना का एक और नाम आपको याद रखना है, संथाल परगना का ही, जैसे प्राचीन काल में क्या बोला जाता था, फिर उसके बाद क्या होता है, बौद्ध साहित्य में किस नाम से झारखंड क्षेत्र की चर्चा मिलती है, ये मैंने बताया आपको। जैसे प्राचीन में जो है नरीखंड इस नाम से मिलती है। एक और है कांकजोल बौद्ध साहित्य में कजंगला। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद है छोटा नागपुर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर आप सीधा ब्रिटिश या फिर अंग्रेज कह सकते हैं। तो यहां पर झारखंड क्षेत्र की जो चर्चा मिलती है ये छोटा नागपुर के नाम से मिलती है। ओके, ये 14 हो गए। अब यहां पर डायट में नाम लिख दे रहा हूं और कहां पर किस नाम से चर्चा मिलती है वो बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए 15 नंबर। अब ये सब जो है ये मध्यकाल का बताया जा रहा है। ठीक है, ये सब जो है मध्यकाल का ही बताया जा रहा है, जैसे आईने अकबरी है, इसमें चर्चा मिलती है झारखंड क्षेत्र की। अर्थशास्त्र जिसको चाणक्य ने लिखा है। टॉलमी, ये वही टॉलमी है जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है। ठीक है, फिर मुगल काल है, मुगल काल में ही 2-3 चीज है, जैसे ओवरऑल अगर मुगल काल बोला जाए तो मुगल काल में कुकरा या फिर खुकरा के नाम से झारखंड क्षेत्र को संबोधित किया गया, लेकिन इससे भी कुछ चीज स्पेसिफिक है, जैसे कि जो जहांगीर का जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, तुझके जहांगीरी जहांगीरी, इसमें अलग नाम से चर्चा मिलती है। ओके, फिर जब हेनसांग आते हैं
हेनसांग का हो गया ना, हेनसांग का हो गया है। फायान, फायान के द्वारा किस नाम से चर्चा मिलती है, तो ये सब भी याद रखना है। जैसे आईने अकबरी में जो है कोकरा या फिर खंकरा, खंकरा इस नाम से चर्चा मिलती है। मुगल काल में जो है, मुगल काल में ये कुकरा एक जैसा है, कुकरा या फिर खोकरा। ओके, तुजुके जहांगीरी में जो है खोकरा, तुजुके जहांगीरी में खोकरा। अर्थशास्त्र जिसको चाणक्य ने लिखा है इसको कुक्कुट या फिर कुक्कुट प्रदेश, या फिर कुक्कुट प्रदेश इस नाम से चर्चा मिलती है। टॉलमी में मुंडल है, ओके टॉलमी में मुंडल हो गया। उसके बाद हेनसांग का मैंने बता दिया था, फायान का है, तो फायान का जो है कुक्कुट लाट, ये हो गया। ठीक है, ये सब में अलग अलग नामों से झारखंड की चर्चा मिलती है। अब मैं जो बता रहा हूं, जितने भी नाम मैं लिखूंगा उन सभी साहित्य में या फिर उन सभी के द्वारा झारखंड क्षेत्र की जो चर्चा मिलती है वो झारखंड से मिलती है। ओके, वो झारखंड से मिलती है। बस लास्ट स्लाइड है ये, कहाँ का मिलती है ये भी याद रखना है। ठीक है, देखिए 13वीं सदी का एक ताम्रपत्र है, 13वीं सदी का ताम्रपत्र। ओके, फिर तारीखें, फिरोजशाही, तारीखें फिरोजशाही, फिर तारीखें बंगला, तारीखें बंगला। कबीर के जो दोहे हैं उसमें भी झारखंड की चर्चा की गई है। ओके, पद्मावत जिसको मलिक जायसी ने लिखा है, नरसिंह का, नरसिंह देव सेकेंड का एक ताम्रपत्र मिला है उसमें भी झारखंड की चर्चा की गई है। और अकबरनामा, अकबरनामा, ठीक है, इन सभी में झारखंड क्षेत्र की जो चर्चा की गई है ये झारखंड से की गई है। ठीक है, तो एक साथ इसे याद रखना है, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्या है कि एक बार में आपको याद होगा नहीं, बार बार देखते रहिए, हो सकता है कि एक हफ्ता के अंदर ये सभी चीजों का फिर से क्वेश्चन करा दिया जाए। ओके, क्वेश्चन काफी अच्छे रहेंगे, तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसको आप समझिए, एक बार जान लीजिए, कम से कम सिलेबस आपको पता होना चाहिए। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, झारखंड के जो जिले हैं इसकी स्थापना कब और कैसे हुई, फिर झारखंड क्षेत्र का जो उल्लेख है ये कहां और किस नाम से मिलता है। अब हम लोग स्टार्ट कर देंगे, झारखंड का जो इतिहास है यहीं से स्टार्ट हो जाता है और सही से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि झारखंड का इतिहास का लेके सिर्फ चला जाएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा तो उसको बीच में डालकर बताया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन। ओके, इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ा जाएगा। ठीक है, वैदिक स्टार्ट हुआ है ना, वैदिक, वैदिक में ही मुंडाओं का आगमन होता है, मतलब लास्ट वाला जो पार्ट है वैदिक का उसमें मुंडाओं का आगमन होता है, असुरों का आगमन होता है और यहीं पर धार्मिक आंदोलन भी होता है, तो ये सब चीजें एक साथ होगा। ओके, फिर इसके बाद जो है नागवंश और मुंडा राज स्थापना होती है, उसके बाद नागवंश की स्थापना होती है, फिर हम लोग राजवंश पढ़ना शुरू कर देंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं झारखंड के अगली वीडियो में, धन्यवाद।